टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, एक प्रेजेंट वैल्यू पढ़ा, फ्यूचर वैल्यू पढ़ा, चार पॉइंट मैंने पढ़ाया था और वो डेरिवेशन में आपको करवा चुका हूँ, हमारे एग्जाम में काम भी नहीं आने वाला। और जो परपेचुअल कैश फ्लो है वो क्वेश्चंस के साथ में हो जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बस प्रेजेंट वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए। बात करें, वापस आ रहे हैं हम कैपिटल बस्टिंग। क्या होता है कैपिटल बस्टिंग, करते क्या यार कैपिटल बजटिंग में, करते क्या? दो प्रोजेक्ट होते हैं, किसी में 1 लाख रुपए लग रहा है, किसी में और उसमें भी 1 लाख रुपए लग रहा है, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो हम ये देखते थे यार किससे ज्यादा कमाई होगी, जिससे ज्यादा कमाई होगी वो प्रोजेक्ट कर लेते थे। टोटल मिलाकर कितनी मेथड से, छः, छः में से कितना पड़ा, दो। एक का नाम क्या था, पे बैक पीरियड, और एक का नाम क्या था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। यहां तक हमारा काम हो चुका है। अब लिखोगे मेथड नंबर थ्री, मेथड नंबर थ्री। हाँ अब समझ में आ जाए। डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, कुछ लिखवाने की अपेक्षा समझाने की कोशिश करूंगा। मतलब पहले आपको कहानी नहीं लिखवाऊंगा, फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आ जाएगा 100%, और उसके बाद सोचेंगे क्या करना। तो लिखो मेरे साथ साथ एग्जाम। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एक लाख, कैश इनफ्लोस लिखा है। कैश इनफ्लोस का मतलब कैश फ्लो बिफोर टैक्स की कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। भाई साहब सुनो, मैं टैक्स का रेट दूंगा ही नहीं, तो कैश फ्लो आफ्टर ही टैक्स है। अगर मैं कैश फ्लो दिया तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मानना, ठीक। टोटल हमारा टारगेट है कि टोटल प्रोजेक्ट चलेगा 5 साल, और पहले साल हमारी कमाई होगी 40,000, एस्टीमेशन है। फिर हम कमा लेंगे 20,000, फिर कमाएंगे हम 40,000, फिर कमाएंगे 30,000, और फिर कमाएंगे हम 45,000। पे बैक पीरियड में क्या पढ़ा था, पे बैक पीरियड में ये पढ़ा था यार, ये जो 1 लाख रुपया लगा रहे हो वो कितने साल में रिकवर हो जाए, कितने साल में ये पैसा वापस मिल जाएगा। 40 मिला जेब में रखा, 20 फिर मिला तो कितना हो गया 60, और फिर 40 मिला तो कितना हो गया 1 लाख। तो हालांकि 5 साल चलने वाली मशीन है, पर पैसा कितने साल में रिकवर हो रहा है, 3 साल। इसी को आपने क्या नाम दिया था, पे बैक पीरियड। कैलकुलेट पे बैक पीरियड जैसे आपके पास पहले वही मांगा है। कैलकुलेट डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। सर ये क्या है, ये मैं समझाऊंगा बस।
इसमें कोई दिक्कत है कि पे बैक पीरियड में? नहीं, पे बैक पीरियड में तो सबसे पहले पे बैक पीरियड निकालते हैं, जो आता पहले वो कर लेते हैं, फिर डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड निकालेंगे। ठीक है, ये फाइनल मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें बड़ी समस्या है, जो बहुत ज्यादा ईजी है बच्चे उसको करना नहीं चाहते, और जो बहुत ज्यादा मुश्किल है उसको भी बनता ही नहीं, वो भी नहीं करना चाहते। अब आपका भी दिल नहीं कर रहा होगा ये करने का, करना पड़ेगा। लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, कैसे निकालोगे प्रेजेंटेशन? अगर 8 नंबर का आता है तो 8 का तो आता ही नहीं, 10 का आएगा आपको तो फिर लिख लेंगे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आता आएगा तो 5 का आएगा, 5 का आएगा या तो 10 नंबर का आएगा, 5 नंबर के लिए भी लिखना बनता है। क्लियर? एफएटी और क्यूमुलेटिव एफएटी। सर पहले साल कितना आएगा? 40,000, तो हमारे पास जमा हो गया 40,000, दूसरे साल और आया 20,000, तो टोटल मिलाकर हमारे पास हो गया 60,000, तीसरे साल आया 40,000, तो टोटल मिलाकर हो गया 1,00,000। Hence पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 3 years। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, एक ही है ना यार, एक ही प्रोजेक्ट है, और सीए साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि करना है कि नहीं करना है। क्यों? और 2 साल एक्स्ट्रा कमा लोगे? लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। अगर आईसीएआई देगा ना क्वेश्चन, तो वो बताएगा स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड, स्टैंडर्ड लाइफ कितना है, 5 साल। लाइफ से कंपैरिजन नहीं करूंगा, बोले यार हमारा जो टारगेट है ना 4 साल में पैसा रिकवर होना चाहिए, कितने साल में रिकवर हो रहा है कर ले। अगर होता स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड 2 साल, नहीं करेंगे, वो बताएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बात बताओ सोच समझ के, 1,00,000 कब जा रहा है पैसा? आज ये कब पैसा कब आएगा? ये 2 साल बाद, तो कंपैरिजन कैसे होगा यार, गलत है ये तो तरीका। इट मींस अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 1,00,000 रुपए दीजिए और 1 साल बाद मैं आपको वापस 1,00,000 करूंगा, तो यार दोनों का कंपैरिजन नहीं कर पाओगे ना, तो मुझे ये वाला कैश फ्लो नहीं देखना पड़ेगा, ये तो फ्यूचर का कैश फ्लो है, इसका प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर, इसको मुझे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आज जा रहा है, ये पैसा फ्यूचर में आ रहा है, तो मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू लेना। ठीक है, तो अब काम कैसे करेंगे? देखोगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, टेबल बनाएंगे इसके लिए। डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड सबसे पहला आएगा ईयर, ठीक, उसके बाद लिखेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, फिर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कितना परसेंट दिया मैंने 10%, फिर आएगा प्रेजेंट वैल्यू, और फिर आएगा क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, बस। तो फर्स्ट ईयर में कितना है भाई? 40, पहले एक बार पूरा लिख लेता हूँ। सेकंड ईयर में 20, थर्ड ईयर में फिर 40, फोर्थ ईयर में 30, और फिफ्थ ईयर में 45। ये तो मैंने क्वेश्चन देख के लिखा, 909, 826,
7151 683 और 621 ये हो गए 10% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैसे निकालना? 1 divided by 1.10 equal to करते जाओगे तो निकलते जाएगा। मल्टीप्लाई करके कितने जाएंगे? 40,000 × 0.909 हाँ, वे अगर आप वन की बात करें तो वन प्लस के साथ है तो वैसे ही होगा 36360। तो सुनो ना, मैं यहां लिख लूं कि 36360 यस कितना 16520 तो 36360 प्लस 16520 दिया गया 52880 300040 82। प्रोजेक्ट में पैसा कितना लगा है भाई? 1,00,000 82,000 तो आ गया। 30,20,490 ओहो, ये तो 1,00,000 से ज्यादा हो गया। 103410 आगे का जरूरत नहीं है। तो ये तो पक्का हो गया कि 3 साल में इतना रिकवर हो रहा है, हमें चाहिए 1,00,000। पर पूरा 4 साल काम कर रहा हूं तो इतना ज्यादा आ रहा है, तो 4 साल से कम और 3 साल से ज्यादा। तो डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड इज इक्वल, कम से कम कितना साल लगेगा? 3 साल प्लस 1 divided by ये वाला देखना 20490 into 1,07,08 बस और कुछ नहीं। इस मैटर पे हमारी बात हो चुकी है कि हम इसको बेस नहीं लेंगे, कल बहुत डिस्कशन हुआ था, इसको बेस नहीं। तो पेबैक पीरियड और डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड एक ही है, अंतर क्या है? वो जो कैश फ्लो है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर, मतलब कैश फ्लो का डिस्काउंटिंग किया जाता है और उसमें कैश फ्लो ही लिया जाता है पेबैक पीरियड, बाकी इसमें लिखवाने वाली कोई बात है नहीं। ये ज्यादा एक्यूरेट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर भी कर रहा है, वो इग्नोर कर रहा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पेबैक पीरियड और डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड का एक ही जैसा डिसीजन होता है। अगर दो प्रोजेक्ट है तो कौन सा वाला सेलेक्ट करेगी जिसमें पैसा जल्दी रिकवर होगा? तो कितना मेथड पढ़ लिया हमने टोटल मिलाकर? 3। मेथड नंबर 4 लिखोगे, इसमें जरूरत एक ही जैसा है, बाद में ना नोट्स बहुत ज्यादा हो जाए सेम चीज लिखवाने की। नेट प्रेजेंट ठीक, NPV important।
अगर क्वेश्चन में ये बोला जाए कि प्रोजेक्ट कौन सा एक्सेप्ट करना है, मेथड्स तो बहुत सारी है पर बताया नहीं कि कौन सी मेथड्स, पेबैक पीरियड से करे कि एआरआर से करे कि डिस्काउंटिंग पेबैक, कुछ नहीं बताया है। तो किससे करोगे? एनपीवी। अगर आपके कैपिटल इन्वेस्टिंग में 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 90 क्वेश्चन एनपीवी, कितना समझ लो, इट मीन्स आप समझ ही गए हो ये तो बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा एनपीवी। टाइम लगाएंगे इसमें और इस पर बड़े सारे एग्जाम्पल करेंगे, धीरे धीरे करें। और आश्चर्य की बात, आपको एनपीवी आता है, मैं बता रहा हूँ कैसे आता है। जब आप आए थे, पहली क्लास चल रही थी कैपिटल इन्वेस्टिंग की, और मैंने आपसे पूछा था, और सुनो क्या पूछा, मैंने कहा यार प्रोजेक्ट में पैसा लगाया 1 लाख, इतना 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 पैसा आएगा, बताओ प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपने कुछ किया था, पेबैक पीरियड नहीं किया था पर कुछ किया था, बोलते सर कर लीजिए अच्छा है, क्या किया, क्या था, आपने कैसे बताया था? आपने ये बताया था कि सर 1 लाख रुपया लग रहा है और आएगा कितना, इतना आएगा, ये पूरा की पूरा आएगा, सबको आपने टोटल मार लिया था, याद है ऐसा कर रहे थे, सबको आपने टोटल मार लिया था और उसमें से 1 लाख रुपया माइनस कर दिया था और कहा कि सर इतना बच गया हमारे पास, वही तो एनपीवी है। वो आपको आता है? कुछ है ही नहीं है एनपीवी, पैसा जितना आने वाला है उसका टोटल कर लो और जितना जाने वाला है माइनस कर दीजिए, बस। बताओ कितना इजी था ये, तो पहले लिख लें। यस, पॉइंट नंबर हुआ। एनपीवी इज एक्सेस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस ओवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। अगर इसको मुझे फॉर्मूले में लिखवाना रहा तो एनपीवी का फॉर्मूला बन गया पीवीसीआई माइनस PVCO, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट, ये फॉर्मूला भी लिखोगे, यही फॉर्मूला चलने वाला। एनपीवी का मतलब तो रफली समझ में आ गया, डिफरेंस ही निकालना। अगर दो प्रोजेक्ट हैं और दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो कौन से वाले प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, जिसका एनपीवी ज्यादा है कि जिसका एनपीवी कम है? ज्यादा, ये तो ठीक है, ज्यादा कमाएंगे तो ये तो अच्छा। अगर एक ही प्रोजेक्ट है और ये पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कब सेलेक्ट करेंगे? हाँ, अगर जितना लगा रहे उससे ज्यादा कमाने वाले तो एक्सेप्ट करो, अगर नहीं कमाने वाले तो रिजेक्ट करो। तो मतलब एनपीवी अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल है मतलब दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट करना है तो हायर। तो लिखते हैं डिसीजन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो एनपीवी शुड बी पॉजिटिव, अगर दो प्रोजेक्ट हैं और दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रपोजल, तो एनपीवी शुड बी हायर।
ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा बना कर रहा है जिसमें हमारा बेसिक कवर हो जाए, एनपीवी एक्चुअल में क्या वो चीजें समझ में आ जाए, फिर हम शॉर्टकट से फिर बड़े सारे एग्जांपल में अलग अलग तरीके से करवाऊंगा, बात समझ में। तो लिखोगे एग्जांपल नंबर वन एनपीवी का, राम ऐसे करना, आपको ऐसे ही बनाना, ऐसे ही याद रहने वाला है। राम बनाना नहीं आता तो किसी और अपने अपने तरीके से बना लो, राम राम, हाँ राम राम लिख लो, राम लिख लो। बैंक घर नहीं है, बैंक है, इंसल्ट क्यों? अब सुनोगे ध्यान से, क्योंकि ना ऐसे एग्जांपल लिखने की अपेक्षा ऐसे आपको ज्यादा याद रहेगा जैसे मैं करवा लें। राम को किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, सर कितने रुपए की जरूरत है प्रोजेक्ट में? तो टोटल मिलाकर 100,000 रुपए प्रोजेक्ट में लगने वाले, तो इसको बोल सकते हो आप कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का कॉस्ट। और सर टोटल प्रोजेक्ट कितने साल का है? तो राम ने सर्वे किया, बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट पे काम भी किए, पहले का पास्ट का प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों का देखा, और सर्वे करने से पता लगा कि यार प्रोजेक्ट जो है वो 3 ही साल तक चलेगा, पहला साल, दूसरा साल और 3 साल, और 3 साल में प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। और सर कितना कितना कमाएंगे? अनुमान है कि पहले साल कैश फ्लो आएगा 40,000, दूसरे साल आएगा 50,000 और तीसरे साल आएगा 60,000, बस ठीक है यहां तक। अभी कितने की जरूरत है पैसे की? 1,00,000। 1,00,000 है नहीं है राम के पास, बैंक के पास गया कि बैंक बैंक प्लीज आप 1,00,000 रुपए दे सकते हो? कि बैंक ने कहा दे तो सकते हैं पर आपसे इंटरेस्ट लेगी, कितना परसेंट? 10%। कितना कैपिटल उठा रहा है? नहीं, कैपिटल कितना उठा रहा है? कैपिटल, ठीक, इसको कैपिटल बोला जाता है ना हमारे फाइनेंस में, इसको कैपिटल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर। और बोलो इंटरेस्ट रेट, ये भी अच्छा। और हमारे कैपिटल वेस्टिंग में इसका एक नाम होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हालांकि इसमें टैक्स वैक्स का कंसेप्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक चैप्टर ही है, एक रफली मैंने बता दिया कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। तो नाम लिखो, नाम सीओसी, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं है ना, अगर कंसोलिडेशन कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक, कंसोलिडेशन में है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। चलो ठीक है सर, पर क्या बैंक ऐसे ही पैसे दे देगा? ले जाओ आप 1,00,000 रुपए जब मर्जी दे देना। नहीं, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेगा और बोलेगा कि बताओ राम क्या कहां पैसे लगा रहे। राम समझा रहा है कि देखो 1,00,000 रुपए हम लगाएंगे तो इतना पैसा मिलेगा, इतना मतलब पैसे वापस कैसे करोगे ये बताओ। राम कहता भाई बैंक सुनो, पहले साल जितना भी आएगा ना सब दे दूंगा, एक पैसा नहीं रखूंगा, पहले आप ही का चुकाऊंगा, फिर 50,000 आएगा ना सारा दे देना, जो लास्ट में बचेगा वो मेरा। अब सवाल बस है राम के पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं, हिसाब किताब करना पड़ेगा ना यार, इसको तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। चलो हिसाब किताब करें, टारगेट क्या है हमारा मालूम है, लास्ट में राम के पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। ये काम कब किया जा रहा है? आज, आज ही किया जा रहा है कि देख लेता है राम भी कि कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। तो चलो बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर ऐसा कितना आएगा भाई? फर्स्ट ईयर में 40,000 आएगा, प्लस करके लिख दो ना 40,000 आया, या फिर लिख लिया कि 40,
ठीक चल जाएगा सर, चल ये छोड़ो ना यार, आया कितना? सबसे पहले हम बैंक वाले के पास गए, अच्छा बैंक बताओ कितना है आपका, कितना हो गया है? 1 लाख लिया था ना? बोले एक साल बाद गया बैंक के पास, बोले मुझे कितना मिल रहा वो सब छोड़िए, ये बताइए आपका कितना बनता है अभी, एक साल हो चुका है, कितना बनता है विथ इंटरेस्ट? 1 लाख सर। पर 1,10,000 तो दे नहीं पाएंगे ना, कितना आएगा उतना ही देंगे, कितना दे देंगे 40 दे देंगे। तो अभी भी बैंक वाले का कितना बकाया है? 70,000 बकाया। ठीक यहां तक है क्या? राम के पास कुछ पैसा बचा? यहाँ कुछ नहीं बचा। दूसरे साल पहुंचा, दूसरे साल फिर बैंक वाले से पूछा, बैंक आपका कितना बकाया है? सेकंड 77,000, इसमें से कितना दे सकते हैं? 50,000 दे दिया, अभी भी कितना बचा? 27। तीसरे साल 27,000 ये और 10% वो, 29,700 आया, कितना? 60,000। तो यार ये तो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है भाई, इसी में से माइनस कर दूंगी सीधा, या फिर यहां से आप मैनेज कर लीजिए, 60,000 माइनस 29,700 आपको जैसे करना है कर सकते हो, मुझे बताओ बचा कितना? बचा कितना? 30,300 होता है, होता है। ये पैसा बच रहा, इसको कुछ बोलना चाहिए ना, कुछ नाम बताओ ना इसका, नेट वैल्यू, फाइनेंस में इसको नेट वैल्यू पूछते हैं, कितना लास्ट में राम के पास कितना पैसा बच रहा है? 30,300। ठीक है, क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए राम को? हाँ कोई शक की बात नहीं, हाँ कर ही लेना चाहिए यार, पैसा बच रहा है ना। पर यार हमारे यहाँ एफएम में ना, कैपिटल बस्टिंग में हम बोलते हैं यार 3 साल बाद बच रहा, पैसा तो आज लगाना है ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू बताओ, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू तो निकालना आता है हमको, ये तीसरे साल का कैश फ्लो है, तो डिवाइडेड बाय 1.10, अब पावर क्या कर दोगे 3, यहां का वैल्यू हो जाएगा, पक्का आ गया ना यार, 30,300 डिवाइड 1.10, 1, 2, 3 फिर से 30,300 डिवाइड 1.10, 1, 2, 3 हाँ 2, 2 मैंने 2 बार कैलकुलेटर की कैलकुलेट क्यों, क्या बताऊं 2,2,765 ले लेते, 2,2,765 अब इसका भी तो नाम लिखना पड़ेगा यार, इसका नाम था नेट वैल्यू, इसका नाम नेट प्रेजेंट वैल्यू, वाओ नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, बिल्कुल सही बोल रहा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। जो मजा YouTube में डालने वाला नहीं तो मैं बोलता, जो मजा इंटर को पढ़ाने में है ना, वो फाइनल को पढ़ाने में नहीं। वो तो बोलते सर ठीक, उनकी जिंदगी पता नहीं कैसी हो चुकी होती। नेट प्रेजेंट वैल्यू और सुनेंगे ना YouTube में जान ले लेंगे बच्चों, इसको बोलते नेट प्रेजेंट वैल्यू। हालांकि हम ये वाला काम नहीं कर रहे, लेकिन इससे एक बात समझ में आ गई है, राम ने जो पैसा उधार लिया था क्या वो पूरा पेमेंट कर दिया? उसका इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी उसके पास कितना बचा है?
2276। आज का वैल्यू कितना बचा? अब तो प्रोजेक्ट पक्का करना चाहिए। हालांकि हम ऐसे नहीं करते क्वेश्चन को, हम एनपीवी निकालते तो, पर एनपीवी निकालने का हमारा दूसरा तरीका होता है। आईसीएआई कैसे करता है? हमें तो यही फॉलो करना जो इंस्टीट्यूट हमारा चाहता है। वो कहता है भाई एनपीवी ऐसे मत निकालो, फॉर्मूला है पीवीसीआई माइनस पीवीपीओ। बोले बताओ पहले साल कितना पैसा आने वाला है, 40,000। इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या हमको निकालना आता है? 1.10 पावर 1। दूसरे साल पैसा कितना आने वाला है? 50,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 2। तीसरे साल कितना पैसा आने वाला है? 60,000 डिवाइडेड बाय 1.10 पावर 3। अब पैसा लग कितना आ रहा है आज? 1,00,000। तो बताओ एनपीवी कितना आएगा, निकल सकता है क्या? कल किया था वही आएगा, 40,000 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू एम प्लस, फिर 50,000 इक्वल टू एम प्लस, फिर 60,000 इक्वल टू एम प्लस एमआरसी माइनस 1,00,000। हाँ कर सकते, वही करवाऊंगा मैं धीरे से। हाँ हाँ आप वैसा कर सकते। हाँ ये भी लिख लो, ये सिर्फ समझने के लिए। मैं यहां बोलता ना कि देखो बैंक से 1,00,000 रुपए जो लिया था ना, उसका वो पैसा वापस हो गया, वो इंटरेस्ट। आपको कहता कुछ भी बात कर रहे सर, यहां से बात समझ में आ गई, पर यहां बोलता तो कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे करते आंसर आ गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, टेबल बना के भी कर सकते हो, ये मुझे थोड़ा सा जल्दी हो जाता कैलकुलेशन। ठीक है, अब बना लोगे क्वेश्चन। टोटल मिलाकर कितना मैटर पढ़ा हमने? 14 चैप्टर, दो ही तो बच्चे यार, खत्म कैपिटल मिस्टेक। एग्जांपल नंबर 2 लिखते, कॉस्ट ऑफ मशीन। एक लाख 50,000 लाइफ पासन, चाहो तो मैं यहां CFBT भी दे सकता था, पर मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ हो। CFAT 1, 2, 3, 4, 5, 70,000, 30,000, 35,000, 40,000 और 32,000। एक चीज और देना पड़ेगा मुझे, एनपीवी निकालना है तो एक फैक्टर देना पड़ेगा ना आपको, मतलब रेट बताना पड़ेगा। उसको हमने क्या नाम लिखा था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको प्यार से डिस्काउंटिंग रेट भी बोलते हैं, डिस्काउंटिंग रेट। और वो ले रहा हूं इस बार मैं 15%, क्योंकि 10% याद हो जाता है 15%। और आपको निकालना है, निकालना क्या, वेदर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड
क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 5 नंबर का। अगर आप एक लाइन में कर रहे हो, एक ही लाइन में हो जाएगा ना भाई, आप क्या करोगे? आप तो ऐसे उड़ा दोगे, ये लिखोगे और एक ही लाइन में निपटा दोगे क्वेश्चन। दो लाइन का 5 नंबर, इंसल्ट नहीं है ये। मैं वही आंसर निकालूंगा लेकिन आधे पेज में निकालूंगा, तो मेरे साथ मैं वही करूंगा पर आधे पेज में। देखो मुझे नहीं, आपको ऐसा लग रहा क्या सर टाइम पास, हम तो आप तो कैलकुलेटर में भी निकालोगे। निकालो कैलकुलेटर बाद में करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर में ही करेंगे। चलो उठा दे कैलकुलेटर, देखते किस किस का सही आता। और कौन पहले कर, पेन नहीं चला सकते, अलाउ नहीं है। मेरा तो नेगेटिव आ रहा है 11228। अगर आप शॉर्टकट नहीं मार रहे हो ना तो शॉर्टकट सीखना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर शॉर्टकट नहीं लगा रहे हो, क्योंकि अब एक डेंजर वाला मेथड आएगा आईआर, जिसमें मैं ये 100 बार करवाने वाला हूँ। शॉर्ट 11228 नेगेटिव। सुनो फिर से सुन लो भाई, फिर से सुन लो, मैं फिर से बता दूँ, क्योंकि ये मैं यूज करूंगा। मैं आप जो करते हो वो उसमें टाइम लगेगा और मैं जो करूँ उसमें टाइम नहीं लगेगा, उसकी बस वजह मैं बता देता हूँ। मैंने पहले लिखा 70,000 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल टू एम प्लस। अब आगे मत बढ़ जाना मुझसे, अब सुन। फिर लिखा 30,000 दो बार इक्वल टू एम प्लस, अच्छा वही कर। फिर 25,000 तीन बार इक्वल टू एम प्लस। फिर 40,000 एक दो तीन चार एम प्लस। फिर 32,000 एक दो तीन चार पांच एम प्लस एम आर सी माइनस 150,000। हाँ वो धीरे पर वो हो जाएगा धीरे, पर ये ब्रह्मास्त्र है, ये बहुत स्पीड बनती है। हाँ मुझे मालूम है कोई ना कोई मेरा बच्चा ऐसा करेगा 10% की तरफ, पर मैं फिर से बोल रहा हूँ इस पे नंबर नहीं मिलने वाला है, हमें प्रॉपर करना पड़ेगा कुछ। अब प्रेजेंटेशन किसका करवा रहा हूँ? ICAI का प्रेजेंटेशन। तो लिखोगे मेरे साथ साथ, स्टेटमेंट। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ NPV। सर इतना टाइम रहता है एग्जाम में हमारे पास, और एक आध क्वेश्चन तो नहीं बचे बनेगा ना, उसका टाइम बचेगा। हाँ मुझसे भी बोल रहा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट लेना है यार हम लोगों को? 15% अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। ए सबसे पहले लिखेंगे कैश आउटफ्लोस, बस सजा के करना है ऐसा आउटफ्लोस। और पहला आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट,
जीरो, पैसा तो आज ही लगा रहे हैं ना, आज को हम जीरो पीरियड बोलेंगे, एक साल के एंड। ठीक है सर, कितना फैक्टर? आज एक रुपए, एक रुपए ही रहेगा, आज बैंक में जमा करूंगा, आज ही निकालने जाऊंगा तो एक रुपए ही मिलेगा ना भाई। और कितना रुपया लगा रहे हो आप? 150,000। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 150,000 आज 1.5 लाख का प्रेजेंट वैल्यू 1.5 लाख ही। फिर इसका टोटल कर लेंगे और आश्चर्य 1.5 लाख ही आएगा और टोटल ऑफ ए एच ए। हाँ कुछ कहना चाहते हो? ये पीवीएफ है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। फिर आ जाएगा यहाँ बी और क्या लिखोगे? कैश इनफ्लोस, और कैश इनफ्लोस में CF80 वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसा आएगा फ्यूचर में, अभी तो काम चल रहा है। और CF80 1, 2, 3, 4, 5। और यहाँ फैक्टर लिखना पड़ेगा यार, अब तुमको बाद में यहाँ अमाउंट लिख देंगे, पहले फैक्टर। 1 divided by 1.15, 0.86। अब यहाँ दिक्कत है, बहुत सारे बच्चों का ये कहना कि फैक्टर 3 डिजिट में लिखना चाहिए कि 4 में लिखना चाहिए। 4 में लिख लो, कोई समस्या नहीं है, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई, दिया रहेगा तो जो दिया रहेगा वो लिख लेंगे। अभी यहाँ क्या चाहते हो? 8696, 4 में लिख रहे हैं। 0.7565, 6, 6, 5, 7, 5, 5, 7, 1, 7, 4, 9, 7, 2। और यहाँ ये कॉपी कर लेते हैं, 70,000 ये हो गया और 30,000 ये हो गया और 25,000 ये हो गया और 40,000 हो गया और 32,000। पक्का देख ले मेरा। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, अच्छा आपने सीधा कैलकुलेटर वाला लिया, 2 ठीक है। वन सिक्स एट टू टू एट सिक्स एट टू टू एट सिक्स एट सही तो है यार, अंतर तो आएगा। इसका भी टोटल कर लेंगे, टोटल का नाम रहेगा बी। वन थ्री एट डबल सेवन वन, इसको वैसे तो इसको मालूम है क्या बोला जाता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, लिखना नहीं है मैंने लिख, और इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये इनफ्लो है, इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करेंगे तो एनपीवी आ जाएगा।
एनपीवी का फॉर्मूला यहां हो जाएगा बी माइनस ए करके करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि पहले आउटफ्लो दिखा तो उतना ही आ जाएगा लगभग। वन वन टू थ्री, एक रुपए के लिए क्या पंगा यार, एक रुपए के लिए तो मैनेज कर लोगे, इतना चल जाए। नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगी रिजेक्ट? रिजेक्ट कर दो तो लिखोगे प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड ड्यू टू नेगेटिव एनपीवी। हाँ 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 आपको आप एक बात बता रहा हूँ मैं, कभी गाड़ी फाइनेंस के लिए गए हो? शोरूम गए हो कि नहीं गए? नहीं नहीं जैसे यार हमको, हम जाते हैं एक बार तो पता है आपको, जैसे मैंने कहा यार कार लेना है तो 5 लाख रुपए की कार है, तो मैंने कहा नहीं यार मुझे फाइनेंस करवाना है, तो फाइनेंस तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। मैंने कहा नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट छोड़ो, हर महीने का इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, तो मालूम वो एक टेबल निकालता है, वो हमारी समझ में नहीं आता, और उसमें कुछ करता है और बोलता है यार आपका इतना आएगा, कुछ कैलकुलेटर लेकर बैठते, मालूम है वो टेबल कौन सी होती? यही वाली टेबल, प्रेजेंट वैल्यू टेबल। अब जाकर देखोगे ना आपको मजा जाएगा, वाओ ये तो हम निकाल रहा है, वहां लगेगा कि यार आपके लिए आएगी, यार हमने कुछ सीखा। आपको टेबल जैसे ही देखोगे ना उसके पास पहचानोगे, ये तो यार हमारे बच्चों वाली टेबल है, ठीक है वो टेबल रहती है उनके। सर कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, बताऊंगा। ये हो गया तो भाई एनपीवी भी हमें रफली थोड़ा बहुत निकालना आ गया, हालांकि यार ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, पर अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कभी भी आपको वो सीएफएटी नहीं देगा, सीएफबीटी देगा। तो बस थोड़ा सा तो काम और करना है, इसमें वर्किंग नोट डाल के हम सीएफएटी निकालेंगे और फिर ये वाला काम करेंगे। अब तो हमारा एनपीवी हो गया, तो टोटल मिलाकर कितनी मेथड हो गई है? 4। अभी क्वेश्चन सब मिक्स होकर आएंगे ना, तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं सब चीज। और एक मेथड होती है उसके बाद कौन सी है? पीआई। एक बार पीआई करेंगे, आईआरआर के लिए रुक जाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद सारी मेथड्स का एक्सपर्ट नॉलेज ले लेंगे, क्योंकि आईआरआर थोड़ा सा अलग है, अलग को फिर आईआरआर करेंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। तो अब लिखते हैं पीआई, पर पीआई मेथड नंबर कौन सा रहेगा? वो 5। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसको बोला जाता है पीआई। एनपीवी पढ़ा ना अभी, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। अगर मैं पीवीसीआई दे दूं और पीवीसीओ दे दूं तो एनपीवी तो ऐसे ही निकाल लोगे आप। अच्छा दूसरी बात, अगर 2 प्रोजेक्ट हैं और किसी में एनपीवी कम आ रहा, किसी में एनपीवी ज्यादा आ रहा, तो कौन सा वाला प्रोजेक्ट करोगे जिसका एनपीवी ज्यादा है? अगर दोनों में से एक सेलेक्ट करना, ऐसे में लिख कर, लिखना नहीं है आपको। 2 प्रोजेक्ट है ए और बी, पीवीसीआई और पीवीसीओ दो दें। पीवीसीओ मतलब कितना पैसा लग रहा है आज, इसमें लग रहा है आज 1 लाख रुपए और आ रहा है 2 लाख। एनपीवी निकाल सकते, बताओगे एनपीवी कितना है? एनपीवी का फॉर्मूला होता है पीवीसीआई माइनस पीवीसी। एनपीवी कितना आ रहा है? 1 लाख। अच्छा और एक प्रोजेक्ट है,
इसमें लग रहा है 10 लाख रुपए और आ रहा है 12 लाख रुपए, इसका भी एनपीवी निकल सकता है। फिर से आपने ठीक से सुना नहीं, सुना ध्यान से। मैं सोच रहा हूँ यार किसी बिजनेस में पैसा लगाता हूँ, सिर्फ 1 लाख ही लगेगा, छोटा सा बिजनेस है, आएगा कितना 2 लाख, मैं एनपीवी है, आएगा कितना डबल, ठीक। पर ये थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगेगा, 10 लाख में लगाने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आएगा कितना 12 लाख, 10 लगा के 12, 1 लगा के 2, कौन सा प्रेडिक्ट करोगे, मतलब इसका एनपीवी कम। आप एनपी अभी इस कॉपी में लिखा है एनपीवी के विषय में क्या लिखा है, हाँ उसमें समस्या थी, अब दिख रहा है ना क्या प्रॉब्लम है, यहां दिल क्या बोल रहा है। एनपीवी के हिसाब से बोलोगे तो कौन सा अच्छा, बी, और दिल के हिसाब से ए, तो यहां दिल वाली बात करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक रेशियो निकालने की कोशिश करूंगा, कितना कमा रहे हो, जितना लगा रहे हो उससे कितना ज्यादा कमा रहे हो, टाइम्स में बोलो, टाइम्स में 2, 2, और यहां 12 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 1.2, हाँ टाइम्स में ना यार 2, 1.2, यहां तक ठीक है। 2 का मतलब अगर मैं इसका नाम लिख रहा हूं, नाम लिख ही देता हूं ना, इसको बोलते हैं पीआई, इसको पीआई बोलते हैं, PI मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, 2 इसका मतलब समझाओगे 2 गुना, और इसका जितना लगा रहे हो 1.2 टाइम्स, कौन सा ज्यादा अच्छा, PI शुड भी है, ठीक। तो कुछ नहीं है, PI एक रेशियो है यार, पर बिल्कुल सिंपल, सबसे मुश्किल काम मालूम है कौन सा है, NPV, ये तो आसान है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, आंसर देना मुझे, एक ही प्रोजेक्ट ए, आ कितना रहा है 2 लाख और हम लगा रहे हैं 1 लाख और पूछा जा रहा प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पीआई के हिसाब से नहीं, स्टैंडर्ड नहीं, बस इसी के हिसाब से बताओ करना चाहिए या जितना डबल आ रहा है ना यार, और एनपीवी के हिसाब से करना चाहिए कि नहीं, तब भी करना चाहिए, एनपीवी तो पॉजिटिव है ना भाई। अगर ये 2 लाख नहीं होता, अगर ये होता 90,000, 1 लाख लगाओ 90,000 कमाओ, करना चाहिए कि नहीं, कितना आ रहा पीआई 0.9, इसका मतलब 1 रुपया लगाओगे ना तो 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा, सिर्फ कितना मिलेगा 90 पैसा, तो पीआई के हिसाब से नहीं करना चाहिए, पर एनपीवी के हिसाब से नहीं करना चाहिए। वाओ, इसका मतलब बहुत बारीक बात पूछ रहा हूं, एनपीवी के हिसाब से जो डिसीजन आता है क्या पीआई के हिसाब से वही डिसीजन आएगा, सुनो ध्यान से, एनपीवी पॉजिटिव आएगा मतलब पीआई क्या 1 से ज्यादा आएगा, हाँ सोच लेते, एनपीवी पॉजिटिव कब आएगा, जब पीवीसीआई ज्यादा आएगा, और पीवीसीआई ज्यादा आएगा मतलब पीआई 1 से ज्यादा आएगा, संभाल पा रहे हैं, हाँ ठीक संभाल लिया हमने, तो एनपीवी और पीआई से एक जैसा ही डिसीजन आएगा अगर एक ही प्रोजेक्ट, और अगर अलग अलग है तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया और पूछेगा कि नहीं यार आप फाइनल बताओ ना यार कि क्या टाइम पास कर रहा है, तो कैसे बताओगे, एग्जाम में आ गया कि बताओ कौन सा प्रोजेक्ट करे, किस हिसाब से करोगे, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो कौन सा मेथड, एनपीवी, ठीक। तो एनपीवी के हिसाब से ये, पीआई के हिसाब से, हम कभी कंपैरिजन नहीं करेंगे, जो जैसा पूछेगा ना क्वेश्चन हम जवाब भी वैसे ही देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना वाकई सर यार इसको जवाब कैसे दे, हम जवाब भी वैसे ही देंगे, तो लिखते हैं इसके विषय में, पहला राउंड नोट, एग्जाम्पल नहीं करवा रहे, एग्जाम्पल साथ सब
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज अ रेशियो ऑफ पीवीसीआई टू पीवीसीओ. फॉर्मूला ही लिख लो ना यार. पी आई इज इक्वल टू पी वी सी आई डिवाइडेड बाय पी वी सी. डिसीजन क्राइटेरिया अगर सिंगल प्रोजेक्ट है तो पी आई शुड बी कि वन होगा तो बात कर लेते ना. यही था हमारा. ये था पीवीसीआई. बैंक में कहां भाई, बैंक में 10% है ना. उसके बावजूद भी एक बात बताओ कि एनपीवी जीरो कब आ सकता है. जीरो जब पीवीसीओ कितना है 1,00,000 और पीवीसीआई भी कितना है 1,00,000 और पीवीसीआई यही तो निकाल रहे हो आप. पीवीसीआई आप एक बार बताओ अगर आप यहां कितना बचा रहे थे 30,300 अगर यहां 20,000 बचाते तो भी क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते. हाँ अगर 10 रुपए बचाते तो भी क्या एक्सेप्ट कर लेते. अब नहीं की वजह बता दो बस. आपके जेब से कितना पैसा जा रहा है. कहां कुछ कहां जा रहा है आपके जेब से. कुछ भी तो नहीं जा रहा भाई. एक भी पैसा आपके जेब से जा रहा है क्या. अभी सुनो मेरी बात बेटे. अभी अधूरा पढ़ा है ना इसलिए दिक्कत है. अब मैं पूरी बात कर रहा हूँ. पूरी बात नहीं नहीं बैंक से कितने परसेंट पे उठा रहे हो आप. तो हमें बैंक वाले को कितना देना पड़ेगा 10% क्या पक्का देना पड़ेगा. पक्का. हाँ पक्का सर. ऐसा थोड़ी होगा कि अगले साल बैंक वाला बोला नहीं नहीं यार अब 12 दे दो या फिर 8 दे दो. ऐसा नहीं होगा. 10% तो देना है. वो फिक्स रेट है. फाइनल में आना मैं फिक्स और फ्लोटिंग समझाऊंगा. बुक्स रखी हुई है ठीक है. फाइनल में बात करेंगे. अभी यार छेड़ोगे नहीं है ना. छेड़ने का पूरा टाइम निकल जाएगा. 10% देना है. चलो 1,00,000 रुपये उठाया. इधर कितने आने वाला है 40 क्या पक्का आएगा. 40 पक्का आएगा. सोच के देखो यार पक्का आएगा कि नहीं. कोई ऐसा है बिजनेस जिसमें पक्का आएगा 1 साल बाद. एस्टीमेट रिस्क है कि नहीं है. रिस्क है और देना है. इधर रिस्क है कि नहीं. इधर कोई नहीं. इधर तो देना ही है. दुनिया इधर से इधर क्यों ना हो जाए. इधर तो भी कम भी आ सकता है. इधर तो बर्बाद भी हो सकते हो. तो इधर रिस्क है. तो कभी भी हम जब काम करते हैं ना ये उठा तो रहा है 10% से. लेकिन हम यहाँ 10% से के हिसाब से नहीं करते. हम थोड़ा सा बढ़ा देते. नहीं यार कम से कम 15 चाहिए. इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. नाम हो जाएगा रिक्वायर्ड. मुझे चाहिए 15 और अगर मैं 15 से काम करूं और तो भी 10 रुपया बच रहा है तो ठीक है ना यार. जितना आप चाह रहे उतना तो मिल रहा है ठीक है. तो सर कहां थे हम. अगर पी आई 1 है या उससे ज्यादा है तो एक्सेप्ट कर ले. 1 पे भी एक्सेप्ट कर. 1 है तो भी चलेगा क्योंकि हमें जो चाहिए वो तो मिल रहा है ठीक है. वापस आ जाते. पी आई शुड बी 1 आर मोर.
पीआई शुड बी हायर, कैपिटल वेस्टिंग का जो मैंने इंडेक्स आपको बना रखा है उसमें शुरू में कुछ लिखवाया था शायद, इंडेक्स पहले क्या पढ़ेंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे, जब स्टार्टिंग पहला पेज था बेसिक्स, उसके बाद रिप्लेसमेंट, उसके बाद वही है ये जो मैं बोलते रहा हूँ ना, फ्यूचर में 40,000 मिलेगा, वो रिस्क है उसमें, तो सर उसको कैसे, उसका भी कैलकुलेशन होता है, वो वहां समझाऊंगा, वो अब आजकल मुझे ऐसा लग रहा फाइनल में आ जाएगा, पर अभी तो आपको है ठीक है सर, अभी अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक्स में 5 मेथड पढ़ा, नहीं एफएम नहीं हट रहा है, एफएम तो रहे उस, नहीं अभी क्या मेरी बात समझो, कैपिटल बस्टिंग जो था वो पहले सीए फाइनल में था, मैं पढ़ाया हूँ कैपिटल, मेरे वीडियो डले हुए यूट्यूब में सीए फाइनल, फिर जब न्यू सिलेबस आया, जब आपका सिलेबस आया तो उसने वहां से हटाया और इंटर में डाल दिया, अब जब न्यू स्कीम आ रही है तो मेरे पास जो आया है अभी ऑफिशियली नहीं है, उनका कहना अब कैपिटल बस्टिंग वापस फाइनल में आएगा, आपके लिए तो लॉटरी लग गई, हाँ आपको यहाँ भी पढ़ना है आपको वहां भी पढ़ना है, तो इसको अच्छे से कर लेते हैं यार, मैं यही तो बोलो, फील करो कि आप सीए फाइनल पढ़ रहे हो, ठीक न्यू स्कीम, चलो तो टोटल मिलाकर हमने 5 पढ़ा, और सब एक बार याद है या नहीं है ये देखना पड़ेगा, चलो बताते जाना, सबसे पहले पीआई का फॉर्मूला था पीवीसीओ, अच्छा पीवीसीआई डिवाइडेड बाय पीवीसीओ, ठीक 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 अब ऐसा है कि मैं कुछ लिखूंगा, शर्त ये पेज मत पलटाना, ठीक लिखोगे अब टेस्ट भी हो जाए ना, पेज मत पलटाना, पीछे नहीं देख सकते आप तो देख ही नहीं सकते, बाकी लोग नहीं देखेंगे, ठीक लिखोगे एग्जाम्पल, हाँ जी एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल सिंपल, कॉस्ट ऑफ मशीन 5,00,000, लाइफ ये लो 5 साल, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चाहते हो, 20% पर एनम, और WDV के बिना मजा नहीं आता, यस वन टू फाइव, मैं आपको CFAT दूंगा तो फिर डेप्रिसिएशन दिया है क्यों, तो मैं आपको सेल्स दे देता हूं, ठीक वहां पहुंचना है, वहां से डाउन करना पड़ेगा धीरे धीरे सेल्स, आराम आराम से करना, बेहतरीन क्वेश्चन बना कर दे रहा हूं, 2,50,000, अच्छा सुनो भाई सुनो सुनो, कल मेरे पास सीएमए इंटर के बच्चे आए थे, उनका क्या कहना है पहले सुन लेना ध्यान से, क्या दिमाग चला है उनका, कहना है सर ये फैक्टर कब का है, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड का है ना, बोले सर ये 70,000 क्या, ये बताओ CFAT, मैंने कहा CFAT मतलब, मैंने कहा भाई जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको बेचोगे तो उससे जो पैसा आएगा, खर्चे वर्चे काटोगे उसके बाद जो पैसा बचा है वो है, तो बोले सर जो बिक्री हो रही है वो ईयर एंड में हो रही है, मतलब साल भर में हो रही है, ये साल भर में हो रही है, और ये फैक्टर कब का ले रहे हैं,
ऐसा क्यों? हाँ यार, लेकिन जो पैसा आ रहा है मेरे पास, यहां ये माना जा रहा कि पैसा लास्ट में आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है पैसा बीच में भी तो आ रहा है। हाँ मैं भी वही बोला कि भाई ऐसे करोगे तो एफएम ही पूरा 6 सब्जेक्ट बन जाएगा आपका, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमारा हमेशा एजम्पशन है कि लास्ट में आएगा। ठीक सर, ऐसा किनका दिमाग चल जाता है, चल जाता है। 2,50,000 1,75,000 2,40,000 और 2,40,000 सेल से ही। वेरिएबल कॉस्ट 25%, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 32,000। और एक बात बताऊं मैं आपको, फिक्स कॉस्ट में ना नंबर ऑफ यूनिट्स के बढ़ने कम होने से फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं होगा। सर पर एनम भी लिख दो अच्छा लगेगा, चलो पर एनम हर साल का 32,000। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे फिक्स तो कुछ आएगा, सी एफ बी टी, फिर क्या करोगे डेप्रिसिएशन। ठीक है तो सर टैक्स का रेट भी दे दीजिए ना, टैक्स का रेट कहाँ दिया, नहीं दिया डेप्रिसिएशन का रेट। टैक्स 30% और एनपीवी कैलकुलेट, पेबैक पीरियड, एआरआर, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, एनपीवी और पीआई। हाँ नहीं इतना सुनो, इतना भी बड़ा नहीं है, बुक्स नहीं है ना इसलिए मैं समझाया, पर इतना भी बड़ा नहीं है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा सी एफ ए टी, दिखाते हैं। ठीक मैं भी करूंगा, थोड़ा लेट ही करूंगा आपसे, पर देखते कौन पहले करता, आपकी में मैं जानता हूं मैं ही पहले करने में कॉन्फिडेंस। पांच बजा दोगे आप तो ऐसा लग रहा है, स्पीड से करना है ना। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ईयर वन वन फोर फाइव। सबसे पहले लिखा जाता है सेल्स, टारगेट ये है कि माल बेचने के बाद खर्चे काटने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचेगा। ओह मैंने तो दिया ही नहीं, सॉरी। डिस्काउंटिंग रेट 10%, टू लाख 1,40,000 और 2,40,000।
इसमें से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट और माइनस होगा फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 25% फाइव हंड्रेड वन थ्री वन फाइव जीरो वेरिएबल कॉस्ट 25% 0.25 इंटू 250 62.5 500 437 50 3000 35000 और 60000 और फिक्स कॉस्ट है 32000 तो यहाँ जो आ गया उसका नाम रहा CFPT। डेप्रिसिएशन का रेट चेंज करना है क्या? नहीं, रेट चेंज करना तो 25 भी कर सकते हो। हो गया है कि नहीं? क्या हो गया? सुनो, जरूरी नहीं कि मेरा सही हो, मैं भी तो कैलकुलेट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में सेल्वेज वैल्यू नहीं है ना, अगर लिखते हैं तो हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं, अगर सुनो ना बच्चे, अगर लिख भी देते हैं तो कोई गुनाह नहीं, आंसर तो उतना ही है। अगर डेप्रिसिएशन नहीं पड़े पांच लाख का 20% 1 लाख नहीं भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में निकालना पड़ेगा। बाद में निकालना पड़ेगा। पीवीटी आ गए।
और कुछ बच्चे ना टेक्स्ट तो ऐसा छोड़ देते हैं कि ठीक है वो लाइन छोड़ो ना यार हम आगे चलते हैं, बाकी वो अच्छा ऐसा पूरा बना नहीं आपकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की बात कर मतलब कॉपी के पेज पलटाना नहीं है क्योंकि आप पक्का पलटाओगे मुझे ऐसी उम्मीद। चलो देखते देखते है ना देखते, मैं पीछे 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 आ रहा हूँ आपके सर। पे बैक पीरियड डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे कोई मेरा आंसर कंफर्म करेगा सी एफ डी सही। ARR का पेबैक पीरियड हाँ इसी बात पैट से। तो पिछले बैच में कोई स्टूडेंट पूछ रहा था सर पैट तो सबका अलग अलग है फिर कैसे करेंगे ये याद रहता ऐसा नहीं है ये सारी चीजें, इसलिए मैं बीच बीच में ऐसे बोलते रहता। हाँ ये सारी चीजें याद आती। हाँ इसलिए ना ऐसे लिखा करो कि इस पेज से देखकर लिख लो, इस वाले पेज में लिख लो। तो चलो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट और पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड पे बैक पीरियड में पैसा कितना लग रहा है 5 लाख। ये 5 लाख कितने साल में रिकवर हो जाएगा बस इतनी सी बात थी।
मैं पहुंच रहा हूँ वहां पे, आप आगे बढ़ते जाइए। सुनो ना, सुनो 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 बच्चे, सुनो एक बात सुनोगे, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड निकाल लिया है क्या? निकालने वाले तो नहीं होना, अभी उसको कट कर दो, वो नहीं निकालना, बताऊंगा राज है कुछ, नहीं निकालना आपको, नहीं निकालना डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, छोड़ दीजिए बाकी। कितना साल लगेगा कम से कम? चार, एक साल में आ कितना रहा है? 115888 इंटू 99415 आपकी जैसी मर्जी, आप वैसे भी कर सकते, डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते। फोर पॉइंट कितना आ रहा आपका? तो मेरा तो पेबैक पीरियड निकल गया, ठीक है, आप लड़ते रहो, मुझे अब मैं ARR पे पहुंच रहा हूँ, ठीक। डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड नहीं निकालना, ठीक। और क्यों नहीं निकालना, थोड़ा सा दिमाग चला सकते हो कि क्यों मैं यहां आकर रुक गया? यार अगर डिस्काउंट 5 लाख रिकवर होना है, 5 साल में अगर डिस्काउंटिंग करोगे तो यार वो 5 लाख भी रिकवर नहीं होगा, तो फिर आप डर जाओगे वो ये क्या हो गया करके। हाँ इसलिए मैं उसको हटा दिया, नहीं वो समझ नहीं रही, ARR निकालना पहले, तो ARR हो गए। अच्छा ये गलत है क्या, ये वाला आपका गलत है, इसलिए ना किसी से पूछ के नहीं करना। दूसरा हमको निकालना है ARR।
कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, एवरेज पेट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक है आगे जाओ ना काटना एवरेज पेट। नहीं मैं प्रेजेंटेशन पे नहीं जा रहा हूँ, आप एक लाइन में भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई एआरआर का बताएगा कितना आंसर आ रहा है। हाँ चले नहीं तो मेरा आंसर आपके आंसर से मैच नहीं होगा ना यार, फैक्टर्स आप ले रहे हैं डायरेक्ट। वो फैक्टर की वजह से यही
हाँ क्योंकि यार नेगेटिव आया मतलब ये कम रहा होगा। अब मैंने ना इसको अलग से नहीं देख कैलकुलेटर, मुझे याद ही नहीं था फिगर, इसलिए मैंने नहीं किया था। आपको तो आपने तो प्रॉपर किकर रखा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं ये वाला एरिया ना ये मेरे पास था नहीं एक्चुअल में, ये वाला कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर का हाँ वो चल जाएगा। ये सब आ जाएगा समझ में, सब 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 समझ में आ जाएगा, टेंशन में। नहीं ऐसा देखो अभी जो हमने किया, अभी हमने ऐसा भी नहीं है कि बहुत चीजें हमको रटना पड़ा, इतना कि एक बार हमको याद ऑटोमेटिक हो जाएगी सारी चीजें, आपको कुछ भी याद करना नहीं। धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो टोटल मिलाकर हमने कितना, और प्रैक्टिस भी कर लिया सीएफटी का। अभी आगे कोई मेथड तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें पूछूंगा, बस मुझे आंसर देते जाना, लिखने की भी जरूरत नहीं कॉपी में, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या आपने पहले पढ़ा हुआ है? पहले डेप्रिसिएशन के मैटर पे बहुत सारी बातें करना तो कर लूँ। डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है कभी ना कभी तो पढ़ा होगा 11th 12th में, है ना। और अभी पूछूंगा ना तो फिर ऐसे टाइम निकल जाएगा, तो पहले थोड़े से काम की चीज। जैसे यार मैंने कोई मशीन खरीदा यहाँ 5 लाख की, ठीक है, और उस पर डेप्रिसिएशन लगता है 25%, तो 25% कौन सा मेथड? WDV। तो क्या यहां 5वें साल के एंड का आप बुक वैल्यू बता सकते हो? बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन कटने के बाद जो पैसा बचेगा। एक तो आंसर आया 11865। देखो तो एक मैं एक मेथड तो ये है यार, 25% डेप्रिसिएशन लग रहा है, इसका मतलब कॉमन सेंस लगाइए तो वैल्यू जो बच रही हो तो 75% ही बच रही है, तो 75% को हम 0.75 बोल सकते हैं। पहले कैलकुलेटर में लिखोगे 0.75 × 5 लाख, इक्वल टू करोगे पहले साल का बुक वैल्यू, फिर इक्वल टू करोगे दूसरे साल, फिर इक्वल टू करोगे तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, यही आ गया 11865। वो भी चलेगा, ठीक। इन्होंने कहा सर हम ऐसा नहीं कर रहे आपके जैसा, हमको अच्छा वो अच्छा लगा 5 लाख। एक सेकेंड, गड़बड़ मत कर देना भाई, दोनों चीजें अलग अलग है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो सुनो, अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है और अगर मुझे बुक वैल्यू निकालना, दोनों अलग अलग चीजें कैलकुलेट। अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो मैं करता 5 लाख × 25% पहले साल का डेप्रिसिएशन, फिर -25% दूसरे साल का, फिर -25% तीसरे साल का, इस तरह से काम होता। लेकिन अगर मुझे बुक वैल्यू निकालना है तो सीधा 5 लाख − 25% करना, ठीक है। डेप्रिसिएशन में पहले डेप्रिसिएशन निकालना होता है, उसके बाद -25% करना, ठीक। ये अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, आंसर देना, और मुझे यहां थोड़ा सा टैक्स चाहिए। टैक्स लगेगा ही यार, और कैपिटल गेन टैक्स, पहला क्वेश्चन, पहला सिंपल सा, गाड़ी फाइनेंस करवाया है क्या? चलो तो अगर मैं गाड़ी फाइनेंस करवा लिया कोई भी बैंक से, HDFC बैंक से मैंने फाइनेंस करवाया कि मुझे 5 साल में पेमेंट करना है गाड़ी का, तो गाड़ी की ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी?
आज की पर्सनल बात मतलब 5 साल बाद मैं गाड़ी का एक्चुअल में ऑनर कब कहलाऊंगा 5 साल ठीक है इतना पता। दूसरा गाड़ी के पेपर किसके नाम से रहेगी मेरे नाम से कि HDFC मतलब गाड़ी के पेपर मेरे नाम से रहेंगे एग्री। गाड़ी को चोर लेकर गया चोर हो गया गाड़ी जगह नहीं थी तो लेकर चला गया तो चोर गाड़ी बेच सकता है कि नहीं लीगली लीगली क्यों पेपर किसके नाम से अच्छा ओके ओके अगर मैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करता हूं तो क्या होगा बैंक मतलब बैंक गाड़ी ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा और ले जाकर क्या करेगा और पेपर किसके नाम से चलो ठीक है मैं लानी नहीं चाहता ना मैं सिंपल भाषा में और बोल रहा हूँ डेप्रिसिएशन के मुद्दे पे आते ज्यादा अच्छा तो मेरा ना बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा बहुत सारा तो मैंने कहा यार यार खर्चे दिखाने पड़ेंगे तो मैंने अपनी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन दिखा दिया अभी भी प्रॉफिट है यार अभी भी टैक्स देना पड़ रहा है तो मेरा एक दोस्त था यार बोले मेरी भी तो बिल्डिंग है मैंने कहा लाओ आपकी बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन मैं दिखा देता हूँ कर सकते कि नहीं अच्छा किसी और की प्रॉपर्टी पे मतलब हम जिसके ओनर है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते और कार फाइनेंस करवाए तो चलो कोई बात नहीं अब सुनोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ वक्त आ गया समझाने 5 लाख की मशीन 3 साल बाद WDV बता सकते हो कि क्या आएगा 3 साल बाद 5 लाख -25% 21938 ये क्या आ गया 3 साल बाद। अब मेरा मन कर रहा है यार कितने का जो मेरे पास एसेट है ना इसको बेचने का और ये एसेट जो है मेरी मुझे मालूम है 5,20,000 की बिक जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20,000 का 5,20,000 में बेच रहा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस प्रॉफिट कितने का इससे कंपैरिजन करूं कि इससे कंपैरिजन करूं मैं ब्लॉक ऑफ एसेट वाले कॉन्सेप्ट पे अभी मैं नहीं जाना चाहता अभी अभी की बात करो अभी कितने का इससे कंपैरिजन करेंगे 289 सुनो आपको तकलीफ हो रही है मैं आपसे बोल रहा हूँ चलो ना यार थोड़ा इजी कर देते इजी 3,20,000 बुक वैल्यू है ना फ्रैक्शन ही खत्म 5,20 का बेचा 3,20 बुक तो बोलो 2 लाख क्या चीज है कैपिटल गेन ओके अब मैं आपसे कुछ कैपिटल गेन वाला टैक्स भी तो देना पड़ेगा और टैक्स का रेट मान लो कैपिटल गेन टैक्स का रेट है 30% तो बताओ कैपिटल गेन टैक्स कितना आएगा 2 लाख का 30% 60,000 क्या चीज़ क्या क्या एजम्पशन है जरा मैं भी तो सुनना चाहूँ अच्छा ये इसके टैक्स का रेट की बात कर रहे हो क्या बात होगी अब तो इंडेक्सेशन वगैरह भी डाल दो क्या फर्क पड़ रहा सुनो सुनो मेरी बात बस सिंपल तरीके से ठीक हाँ जी आपको पता है मेरे जो सब्सक्राइबर है ना वो CA फाइनल वाले हैं सारे के सारे और मुझे वो नहीं है पूरा फाइनल है और मुझे यार बच्चे कैसे पूछ सकते हैं यार मानना पड़ेगा चाहे भी मजा आएगा सुनो ध्यान हाँ मेरा क्या क्वेश्चन अगर बता दिया क्लास ओवर करने वाले बस सिंपल सा क्वेश्चन
यार अगर मैं थर्ड ईयर में मशीन बेच देता हूँ तो कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा, तो मेरे नेट जेब में कितना पैसा बचेगा? मुझे यही चाहिए। अगर मैं मशीन, मेरे पास मशीन है, अगर मैं थर्ड ईयर में बेच देता हूं तो टैक्स वैक्स सब कंसिडर करने में नेट मेरे पास कितना पैसा बचेगा? 1 लाख? बेचकर देखिए कि एक बार, तभी मजा आएगा। ये मशीन है 320, बेचूं? बेच दिया, कितना पैसा आया? पैसा कितना आया मेरे? हाँ, मुद्दे की बात पकड़ लो बेटे, 520 आया, 520 आ गया। टैक्स वाला भी आ गया, टैक्स वाले को कितना दूंगा? 60 ही तो दूंगा, कितना बचा? 480। और आप क्या बोल रहे थे? हाँ बस, मैं आप प्रॉफिट निकाली, मैं जो प्रॉफिट थोड़ी नहीं चाहिए यार, मैं मुद्दे पैसों की बात कर रहा हूँ, आप पैसों की बात पे से भटक जाते हो, अकाउंटिंग बहुत पढ़ा है ना इसी, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ कि पैसा कितना बचा। 520 आया और 60,000 गए, तो नेट मेरे पास 4। ये काम की चीज है, ये कल डिस्कशन करने वाले हैं यार। देखो एक्चुअली होता क्या, हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन से जो प्रोडक्शन करते हो आप, जो बनाते हो, उससे तो पैसा आता है हर साल, लेकिन लास्ट में मशीन को बेचने से भी तो पैसा आता है, तो वो देखना है कि लास्ट में मशीन को बेचने से कितना पैसा है। ये एक बात बाकी है, बाकी फिर हो गए, फिर हम IRR पे चले जाएंगे, ठीक है? हाँ, मशीन खरीद वही होगा, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, देखो होगा क्या, यहाँ हर साल पैसा आएगा और पांचवें साल में भी तो मशीन को बेचने से पैसा आएगा, वो क्यों छोड़ रहे, उसको भी तो कंसिडर करना चाहिए, ठीक है? तो कल डिस्कस करेंगे उसका, अभी एक दो दिन एंजॉय करो, मतलब क्लास होमवर्क वगैरह कुछ मिल नहीं सकता, बुक्स प्रिंट होने गई है, जैसी प्रिंट होकर आती है मैं आपको दे, फिर हमारा काम स्टार्ट, ठीक है जी? थैंक यू।